तो यहाँ पे जो अपना डिस्कशन है अनसुपरवाइज uh, लर्निंग में केमीन्स है प्रोबलिस्टिक है, है तो ये हमने बात की थी कि केमीन्स जो क्लस्टरिंग है एल्गोरिथम है आपकी वो के इज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स और मीन्स मीन टेकिंग द मीन ऑफ ऑल दीरेस्ट डेटा पॉइंट्स राइट हेरारिकल क्लस्टरिंग में हमने डेंड्रोग्राम की बात की थी जिसमें एक डेंड्रोग्राम बनता है और उसमें लेवल्स होते हैं कि एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल क्लस्टर्स भी हो सकते हैं राइट इन द सेम प्रोबेबिलिस्टिक क्लस्टरिंग क्या है प्रोबेबिलिस्टिक में प्रोबेबिलिटी होती है जहां पे प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ कि सर्टेन डेटा पॉइंट्स जो है वो किस क्लस्टर में किस प्रोबेबिलिटी से वे आ, वो करेगा बिलोंग करेगा राइट नाउ कमिंग टू द एसोसिएशन रूल माइनिंग एसोसिएशन रूल माइनिंग में क्या है कि इसमें तीन चीजें हैं एसोसिएशन रूल एंड माइनिंग तो लेट मी जस्ट गिव यू दी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट इसके नोट्स मैंने शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी माइनिंग सो एसोसिएशन क्या होता है एसोसिएशन जो है कॉम्बिनेशन uh, होता है किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन uh, होता है या कोई चीज किसी से एसोसिएट रहे तो हम कहेंगे कि ये एक एसोसिएशन है एक दूसरे का राइट right? जैसे ए इज एसोसिएटेड विद बी राइट तो यहाँ पे ए और बी जो है दे आर एसोसिएटेड तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इफ एंड देन का रोल बन रहा है कि अगर ए है देन बी है इफ ए देन ए इज एसोसिएटेड विद बी तो इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट और ये आपका होता है कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट राइट तो इस तरीके की अगर कोई भी एसोसिएशन रहता है तो हम कहते हैं इसको सिंगल सिंगल कार्डीनलिटी सिंगल कार्डिनलिटी ठीक है क्योंकि एक एसोसिएशन है और इसमें ए जो है वो एसोसिएटेड है बी से और ये जो सेकेंड टर्म है रूल रूल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन uh, रखते हैं ठीक है जैसे आपने कहा कि अगर ए प्लस बी जो है वो सी है एंड सी प्लस डी इज ई है तो ई प्लस एफ कुछ होगा राइट सो फ्रॉम सेट ऑफ दीज रूल्स यू आर डिराइविंग दिस वन तो ये क्या रूल्स है तो क्या रूल्स है वो हम देखेंगे माइनिंग मीन्स यू आर एक्सट्रेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द गि एसोसिएशन रूल माइनिंग है इसका मेन पर्पज होता है कि आपको वो वाले आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है जो एक साथ खरीदे जा रहे हैं जैसे जब ए खरीदा जा रहा है तो बी भी खरीदा जा रहा है तो ये एक्चुअल में यूज होता है आपका मार्केट बास्केट बास्केट एनालिसिस में मार्केट बास्केट एनालिसिस

को कैप्चर करने के लिए जो बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं वो ये देखते हैं कि हम किस किस चीज पे ऑफर पुट कर सकते हैं क्या वो जो है एग खरीदेगा तो क्या वो शुगर भी खरीदेगा ठीक है सो देर इज एसोसिएशन बिटवीन दीज टू तो ये एसोसिएशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं जो मार्केट वाले होते हैं या जो सुपर मार्केट वाले होते हैं वो मार्केट बास्केट एनालिसिस करते हैं कि जो बास्केट है कस्टमर की उसमें क्या क्या आइटम एक साथ है और उनमें क्या रिलेशनशिप है क्या एसोसिएशन है एक दूसरे में ठीक है अब ये जो है ये आपका सिंगल कार्डिनलिटी है इन द सेम वे देर इज देर कैन बी मल्टीपल कार्डिनलिटी जस्ट लाइक कि अगर वो ए भी खरीद रहा है उसके साथ बी भी खरीद रहा है तो सी भी खरीदेगा राइट right? तो यहां पे क्या हो गया ये जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे एक एसोसिएशन बन रहा है इसको हम कहते हैं मल्टीपल कार्डिनेलिटी ठीक है मल्टीपल कार्डिनेलिटी तो जो आपका मशीन लर्निंग है इसके अंदर ये जो एसोसिएशन रूल माइनिंग है इसके लिए एक एल्गोरिथम होती है जिसका नाम होता है एप्राइरी एल्गोरिथम थोड़ा सा उसका ब्रीफ देख लेते हैं व्हाट इज दिसम एप्राइडी एल्गोरिथम जो है वो होती है यूज होती है फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग के लिए ये कुछ वर्ड है जो आपको याद रखने होंगे फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग तो ये क्या करते हैं ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से आइटम है जो कि फ्रिक्वेंटली बाय की जा रहा है ठीक है कौन कौन से आइटम्स हैं दोज आर फ्रिक्वेंटली बोट बाय दी कस्टमर तो इसका एक एग्जांपल मैं जल्दी से डिस्कस करूंगा बिकॉज दिस इज नॉट आवर टॉपिक टू डिस्कस इन टू क्लास बट जस्ट लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसोसिएशन रूल माइनिंग ही हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है पहली होती है सपोर्ट और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस ठीक है यहां पे अगर देखेंगे आप सपोर्ट क्या है और कॉन्फिडेंस क्या है सपोर्ट है परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन डेट कंटेन बोथ एक्स एंड वाई तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो दोनों एक्स और वाई कंटेन करते हैं जहां पे मिल्क होगा तो वहां पे ब्रेड भी होगा ठीक है मिल्क होगा तो एक भी होगा तो इस वाली सिचुएशन को कंटेन करने के लिए सपोर्ट निकाला जाता है और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस ठीक है कॉन्फिडेंस होता है परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन डेट है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें एक्स है और जो वाई भी कंटेन कर रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है जो सपोर्ट है वो आपका निकलता है यहाँ से और जो कॉन्फिडेंस है वो निकलता है दोनों का सपोर्ट एक्स एंड वाई एंड एक्स का सपोर्ट जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखेंगे हम तो यहाँ पे पांच ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं राइट ट्रांजेक्शन आई डी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी है और इतने आइटम से जो एक साथ खरीदे जा रहे हैं तो फर्स्ट जो यूजर है उसने क्या किया ब्रेड खरीदा एक खरीदा और मिल्क खरीदा दूसरे ने ब्रेड कॉफी एंड मिल्क सो इन द सेम वे दिस इज द्रांजेक्शन डेटा राइट दिस इज द ट्रांजेक्शन डेटा एंड वी हैव टू अज्यूम है मिनिमम जो सपोर्ट है ये जो है आप कितना भी अज्यूम कर सकते हैं इट डिपेंड्स दी, दी, दी तो है है तो है कि अगर उसने ब्रेड खरीदा और मिल्क खरीदा दोनों एक साथ तो कितना सपोर्ट आ रहा है और कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है तो सपोर्ट यहाँ पे कितना होगा ब्रेड और मिल्क आप चेक करो कितनी बार साथ आ रहा है ब्रेड और मिल्क एक दो तीन ठीक है तीन बार आ रहा है तो थ्री डिवाइड बाई योर फाइव थ्री डिवाइड बाई फाइव विच इज से यहां पे ये यह चेक कर रहा है कि ब्रेड और मिल्क कितनी बार साथ आ रहा है एंड डिवाइडेड बाय ब्रेड कितनी बार आ रहा है तो यहां पे अगर आप देखेंगे ब्रेड और मिल्क आपका थ्री टाइम्स आ रहा था ए, 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 एक दो और तीन और सिर्फ ब्रेड कितनी बार आ रहा है थ्री बाई फोर इज इज कैलकुलेटेड इफ योर सपोर्ट इज ग्रेटर मिनिमम सपोर्ट जस्ट रिमेंबर इफ योर सपोर्ट इज ग्रेटर मिनिमम सपोर्ट देन दिस इज नोन एज your confidence इफ greater योर कॉन्फिडेंस इज ग्रेटर टू then देन satisfies the द क्राइटेरिया मिनिमम कॉन्फिडेंस क्राइटेरिया तो एसोसिएशन रूल माइनिंग में दो स्टेप होती है पहली स्टेप क्या होती है फर्स्ट स्टेप होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से आइटम सेट है मतलब सेट ऑफ आइटम्स है जो कि फ्रीक्वेंट है वो आपका निकलेगा किससे सपोर्ट से और दूसरा यू हैव टू जनरेट दी एसोसिएशन रूल्स फिर उनसे आपको एसोसिएशन रूल्स जनरेट करने हैं राइट right? तो इसका जो फ्रिक्वेंट आइटम सेट को आइडेंटिफाई करने की जो एल्गोरिथम है उसका नाम है एप्राइडी एल्गोरिथम एप्राइडी एल्गोरिथम क्या कहती है कि कोई भी सबसेट हो आइटम सेट का वो फ्रीकवेंट ही रहेगा जैसे कि मान लो आपके पास में तीन आइटम है ए बी सी ठीक है ए बी सी तो ये मिल्क है ये ब्रेड है ये एग है अगर ये तीनों इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री आइटम सेट

ठीक है तो अगर आपको लग रहा है कि बी इज नॉट फ्रिक्वेंट इफ यू थिंक दैट बी इज नॉट फ्रिक्वेंट तो बी के कॉम्बिनेशन में जितने भी इसके भीट है वो फ्रीक्वेंट नहीं, तो नहीं है तो बी और डी भी नहीं होगा बी सी बी नहीं होगा एबीडी भी नहीं होगा वेर एवर यू फाइंड द बी सो बी विल नॉट बी जनरेटेड सो दिस द कंडीशन ऑफ अप्रैरी एल्गोरिथम सो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ अप्री एल्गोरिथम Uh this is the beautiful example from where you can understand the whole concept of a priority algorithm. Just understand from here. This is the given data database where you are having the four different transactions, and these are the item set or the set of items which have been bought in each transition. So L C D gaya the transition had 10 T B C A B D C and B. T. -E. Okay?

ये सपोर्ट क्या है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है हर एक आइटम की इन द आइटम सेट तो आपने कैंडिडेट सेट ये सी वन बना दिया है अब यहाँ पे क्या है कि यू हैव आइडेंटिफाइड दैट इज नॉट द कंडीशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट तो मिनिमम सपोर्ट आपका टू है तो मिनिमम सपोर्ट जो है वो डिसाइड करते हैं मार्केट एक्सपर्ट दे आइडेंटिफाई सपोर्ट ऑफ एनी आइटम इज बिलो द मिनिमम सपोर्ट देन दैट आइटम विल बी that item will not be considered as the frequent item set right so here we identify that d is not fulfilling the condition of the minimum support we are discarding it and after pruning we got this table right we got this table so d has been discarded we got this table now generate the l plus one uh, what you can see the the combination of uh, the ए का कॉम्बिनेशन बी से ए का सी से ए का ई से सो इफ यू डू दिस वन देन ट्रांजिशन डेटा सेट और बी तो और बी एक बार ही आ रहा है सो ए एंड हियर आ गया ए एंड सी कितनी बार आ रहा है जस्ट चेक ओवर एंड अगेन दिस ए एंड बी एंड एंड ई इज नॉट सपोर्टिंग द मिनिमम सपोर्ट कंडीशन दैट विल बी डिस्कार And uh, this is the prune, pruning proning process, right? Now again make uh, the combination of each and every one. Here you can see that A, wherever uh, you have the ACBC, C, right? ACBC, C, then the combination will become ABC. So since AB is not uh, uh, fulfilling the minimum support condition. तो हम क्या करेंगे एबीसी को नई वाली जो कैंडिडेट टेबल है उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था एप्रायरी एल्गोरिथम का जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एनी सबसेट uh, 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 तो अगर एबीसी का अगर एबीसी का सबसेट ही फ्रीक्वेंट नहीं है तो इसका सुपरसेट एबीसी नहीं जनरेट होगा ठीक है तो अगर इन सबको अगर हम देखें तो ओनली बीसी फुलफिलिंग द कंडीशन विथ दिन सपोर्ट इज टू तो बी सी दो बार आ रहा है बीसी बी सीई तो दिस विल बी योर फाइनल यू कैन से टेबल ठीक है तो इसमें कैसे एट uh, रूल्स कैसे बनेंगे रूल्स बनेंगे बी एंड सी जब भी परचेस करेगा तो ई e आ जाएगा राइट बी एंड सी जब परचेज करेगा तो ई e आ जाएगा या फिर बी और ई e परचेस करेगा तो सी आ जाएगा या फिर सी और ई e परचेस करेगा तो बी आ जाएगा ठीक है तो राइट एंड साइड में ओनली वन आइटम सेट विल बी देयर एंड जितने आइटम आप खरीदेंगे जैसे कि बी एंड सी खरीदेंगे तो ई e आएगा सी एन ई e, e खरीदेंगे तो बी आएगा राइट सो दिस इज हाउ द डिफरेंट रूल्स विल बी जनरेटेड अमंग दीज रूल्स यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच रूल इज satisfying the minimum support condition that will be selected is the final rule so this is the association rule that we have extracted from this given transaction database so this is uh, the same condition so यहाँ पे जो जॉइनिंग एक तो हम कैंडिडेट जनरेट करते हैं मतलब जो सी टेबल जनरेट करते हैं यहाँ पे और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फिर हम सेल्फ जॉइनिंग करते हैं इस तरीके से प्रोनिंग करते हैं प्रोनिंग में क्या करते हैं कि ऐसे सुपरसेट नहीं जनरेट करते जिनका सबसेट जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन को राइट सो सेम थिंग तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जनरेट होता है नल है पहले इनिशियल में आपने सिंगल सिंगल आइटम सेट लिया फिर दो दो के सेट में लिए फिर तीन तीन के सेट में लिए फिर चार चार के फिर पांच पांच के. तो अगर आपके पास डी आइटम्स है देन देर आर टू पावर डी पॉसिबल कैंडिडेट आइटम सेट ठीक है अगर डी आइटम सेट है तो देर देर विल बी टू पावर डी पॉसिबल कैंडिडेट आइटम सेट राइट इसी तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा रहे हैं आप सो देर विल बी द देशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रूट फोर्स अप्रोच where the n is the number of transactions m is the list of the candidates that you have generated candidate item set and w is the width width the items maximum width so this is the same thing that uh, you you are not supposed to go through this part just uh, just complete this part till now

तो वो एक डिसएडवांटेज है टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो एक एफ ट्री बनाया गया जैसे हमने देखा था एफ ट्री क्या करता है तो so uh, so जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोल्यूशन टू एल्गोरिथम ये क्या करता है एन एफिशियंट एंड स्केलेबल मेथड टू कंप्लीट सेट ऑफ इन फ्रिक्वेंट आइटम इट अलाउ फ्रिक्वेंट आइटम सेट डिस्कवरी विदाउटेट जनरेट तो ये क्या करता है दो स्टेप होती है पहली स्टेप है आपका की एक ट्री स्ट्रक्चर बनाओ जैसे जिसको बोलते हैं एफ पी ट्री और उसमें से फ्रीक्वेंट आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करो ठीक है तो जैसे कि ये डेटा सेट दिया हुआ है डेटा बेस दिया हुआ है आपके सामने इसमें आठ ट्रांजेक्शन है ठीक है इससे हमें रूल्स निकालने हैं फ्रिक्वेंट आइटम सेट के रूल्स निकालने हैं तो इसमें मेन चीज क्या आएगी मेन चीज आएगी कि मिनिमम सपोर्ट निकालना मिनिमम सपोर्ट अगर आपको सपोर्ट दिया हुआ है थर्टी परसेंट जैसे कि यहां पे दिया हुआ है तो इस थर्टी परसेंट को कन्वर्ट करेंगे किसी वैल्यू के अंदर तो थर्टी परसेंट क्या हो जाएगा थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई एट एट क्या है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तो आपकी जो मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी थ्री ठीक है, थ्री नहीं आएगी टू पॉइंट फोर आएगी अब टू पॉइंट फोर कोई वैल्यू नहीं होती तो इसकी सीलिंग थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल तो टू टू पॉइंट फोर विच इज है? तो सारी जो जितने भी इसमें आइटम्स है वो यहाँ पे लिख लिए जाएंगे और उसमें जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है वो सभी यहां पे लिख दिए जाएंगे ठीक है यहाँ पे तो ए कितनी बार आ रहा है बी कितनी सी डी कितनी बार आ रहा है सब लिख लिया यहाँ पे और कौन सा है जो कि मिनिमम सपोर्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा सारे क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे राइट right? सारे कर रहे हैं थ्री से या ही है तो कोई डिस्कार्ड नहीं हो रहा अब ये क्या कह रहा है कि हम एक प्रायोरिटी टेबल बनाएंगे इसमें प्रायोरिटी टेबल क्या करेगी कि जो सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है उसकी प्रायोरिटी वन होगी और जो सबसे कम बार अपीयर हो रहा है जैसे कि यहाँ पे थ्री जो है वो सबसे कम बार अपीयर हो रहा है सी तो इसकी प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट होगी मतलब फाइव होगी राइट सो द प्रायोरिटी वन विल बी गोस टू फॉर द बी बिकॉज इट इज अपीयरिंग हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स तो अब हम क्या करेंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले लिख देंगे और जिससे सबसे कम है उसको बाद में लिख देंगे तो ये इनिशियली आपको दिया हुआ था ए डी बी अब चूंकि बी की जो प्रायोरिटी सबसे हाई है तो बी पहले आएगा फिर डी आएगा ए ई e आ जाएगा और उसका एक ट्री बना लेंगे यहाँ पे फिर आप एक ट्री बनाएंगे कि बी डी ए यहां से बी डी ए फिर आप दूसरा क्या करेंगे इसमें दूसरा आएगा बी डी ए सी तो जैसे ही बी डी ए सी क्योंकि यहां पे ई e था और यहां पे आपका जो नेक्स्ट है उसमें सी आ रहा है यहां पे ठीक है तो सी और एड हो जाएगा और बाकी में वन वन वैल्यू और एड हो जाएगी इन द सेम वे द नेक्स्ट वैल्यू बी ए सी क्योंकि यहां पे डी आ रहा है तो एक नया खिंच जाएगा यहां B बी E सी इसी तरीके से ये आ जाएगा आप, आपका डी ए डी ए राइट तो ये आपका जो फाइनल ट्री बनेगा वो इस तरीके से बनेगा उस रूल से अगर आप बनाएंगे ये सारे यहाँ पे स्टेप्स दी हुई है बी सी राइट बी सी बी ए तो जितने बार जो अपीयर हो रहा है उसके अकरेंस यहाँ पे मिल जाएंगी तो जो B है वो सिक्स बार अपीयर हो रहा था सिक्स बार C जो है वो वन टू थ्री बार अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बार अपीयर हो रहा है तो ये आपका एक एफपी ट्री बन गया इससे आपको लास्ट में रूल्स निकालने, है। निकालने हैं हैं रूल्स कैसे निकालने मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा बाद में तो ये वेलीडेशन क्या है validation ये बता रहा है है कि ए देखो सी सी वन टू थ्री तो थ्री टाइम्स सी आ रहा है पूरे इसमें तो यहाँ पे आप देखेंगे सी की वैल्यू सी कि, कितनी बार आ रहा था सी आ रहा था थ्री बार ठीक है तो ये वेलिडेशन है एक बार इसको पढ़ लें ना पूरी पीपीटी को these are the benefits of your fp structure so this is completeness compactness theory hai dekh lena isko i am not going to uh, in the full detail so ye jo fp tree jo hai fp tree kya hota hai frequent pattern tree hota hai jo ki aapki association rule mining में जो apriori algorithm होती है उसके disadvantage को conquer करने के लिए एफपिट्री का use होता है so this is all about this uh, association rule mining a priori algorithm and fp tree growth uh, in the next class uh, we will uh, discuss about uh, the the, uh, the the last unit your recommender system and uh, neural network wala apart. so if uh, today you are having any doubt then you can ask just because the next class your hai professor is going to start the class so if you have any doubt, then you can ask otherwise. I'm going to end the class now. Any doubt, Harshit? Okay, so in next class. I'm going to end the class.